कि मैं तो एडिटोरियल से संबंध रखता हूँ, लेकिन मुझे हमारे सहायक निदेशक श्री महेंद्र सरूले ने बताया था पिछले दिनों कि जो न्यास की योजनाएं हैं, जोधपुर में पुस्तक मेले का विचार है, कुल्लू में है हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में हो गया जोधपुर, हिमाचल में कुल्लू और छत्तीसगढ़ में रायपुर। तीन मेले लगने हैं। वो हम दो दो महीने तीन दिन में दो महीने की अवधि में हम लोग लगाएंगे। उनकी अवधि 10 दिन की होती है, हर मेलों की 9 दिन की होती है। और कोशिश यही करते हैं कि हर पुस्तक मेले में लिटरेरी एक्टिविटी भी हो, साहित्यिक संवाद भी हो। जैसे हमने आगरा पुस्तक मेले में 9 दिन की एक्टिविटी रखी है, जिसमें 6 दिन की हमने बड़ों के लिए रखी है एक्टिविटी और 4 दिन में छोटे बच्चों के लिए रखी थी। लेकिन जो स्थानीय समन्वय के लोग हैं वो भी हमें बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक किया, अभी महिलाओं का कवि सम्मेलन भी करने वाले हैं, मुशायरे भी करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि स्थानीय स्तर पर एक आगाज हुआ है पुस्तक मेले के प्रति। और चूंकि आगरा बहुत समृद्ध है, सांस्कृतिक नगरी है, मैं तो ये कहूंगा, और न्यास ने पहली बार पुस्तक मेला लगाया है आगरा में, आगरा पहली बार लगाया है। और खुद हमारे अध्यक्ष श्री डॉक्टर बलदेव भाई शर्मा जी का बहुत मन था कि आगरा में पुस्तक मेला होना चाहिए, क्योंकि उनका आगरा के प्रति बड़ा अनुराग है और वे आगरा के विद्यार्थी भी हैं, वहां रहने वाले का है ना, तो उनका बड़ा मन था। और प्रकाशकों को बड़ा निवेदन था, बहुत बड़े दिन से था कि आगरा में पुस्तक मेला होना चाहिए, इसलिए ये पुस्तक मेला काफी पहले लग जाता है। एनबीटी से पुस्तकें छपाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। नेशनल ट्रस्ट इंडिया जो है समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करता है, जिसमें हम स्टेट रिसोर्स सेंटर और अपने एडवाइजरी पैनल्स की भी मदद लेते हैं। और वे हमें कई बार तो हमें खुद बताते हैं कि इस लेखक से पॉलिमिक ले ली जाए, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और कई बार न्यास उनके पास खुद जाता है कि आप हमें अपनी पांडुलिपि दें। और कई बार डाक से भी हमको अयाचित पांडुलिपियां मिलती है, उस पर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, अगर वो पांडुलिपियां न्यास के अनुकूल होती है तो उसको प्रकाशन के लिए स्वीकार किया जाता है। आपको पांडुलिपि को भेज सकते हैं छपाने के लिए? भेज सकते हैं।